हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हमने फ्रिक्शन का डिस्कशन किया था कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के विषय में हमने चर्चा किया था। ओके, आइए अब हम देखते हैं फ्रिक्शन में और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड नो पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट इज जीरो। मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, इस सरफेस पर रेस्ट में है, इस पर बाहर से कोई पुलिंग फोर्स नहीं अप्लाई किया जा रहा है, इस ब्लॉक में मोशन की टेंडेंसी भी नहीं है, तो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? जीरो होगा। तो एफ बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस कितना होगा? जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी ब्लॉक पर ना कोई पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो, ना ब्लॉक मोशन में हो, ना मोशन की टेंडेंसी में हो, तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है। इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जीरो होगा। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू पुल द बॉडी, अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें बॉडी को पुल करने के लिए, इट डज नॉट मूव, और ये मूव ना करें, द फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए, यहाँ पर ये कोई एक बॉडी है, यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब हो गया कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा है जो मैग्नीट्यूड में इसके इक्वल है। देखिए, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, हम देखिए ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं टू पुल द बॉडी, इस बॉडी को पुल करने के लिए, एंड इट डज नॉट मूव, बॉडी मूव नहीं कर रही है, द फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं फोर्स कैपिटल एफ इस बॉडी को मूव करने के लिए, लेकिन ये बॉडी नहीं मूव कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो इस फोर्स के इक्वल और अपोजिट एक्ट कर रहा है, और जैसे जैसे हम अपने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है। देखिए, फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। रीजन क्या है कि अगर हमारा अप्लाइड फोर्स जीरो होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, जैसे जैसे हमारा अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होता जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा। हाँ, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की कि वहाँ तक तो ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं करेगा। अगर उसके बाद भी हम अपना अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर दें तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, इसीलिए कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को आपके द्वारा अप्लाइड किए गए फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अपने को एडजस्ट कर लेता है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, अप्लाइड फोर्स जीरो होगा तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, इसीलिए हम इस स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं, क्यों? ये अपने को कैपिटल एफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फर्दर, एज द बॉडी इज एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में है, द फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, इस समय जो ये फ्रिक्शन लग रहा है इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, कैपिटल एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एफ एस की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा तब तक बॉडी रेस्ट में होगी, और उसके बाद बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। बॉडी इज एट रेस्ट एंड फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। इसका मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा हो जब तक बॉडी रिलेटिवली रेस्ट में हो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। इफ द अप्लाइड फोर्स इज इंक्रीज, अब अगर हम अप्लाइड फोर्स को और इंक्रीज करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेज, ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीड अ सर्टेन लिमिट मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन जब हम अप्लाइड फोर्स और बढ़ाते जाएंगे तो इस स्मॉल या फ्रिक्शन की एक लिमिट है कि वहां तक तो ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं करेगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक ये इंक्रीज करेगा उसके बाद ये नहीं इंक्रीज करेगा, वही मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा अगर हमारा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, दिस मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू व्हिच द बॉडी डज नॉट मूव इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एफ एल का मतलब होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एल का मतलब लिमिटिंग, एफ का मतलब फ्रिक्शन।
इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम अपना फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे, स्मॉल एफ भी इंक्रीज होता जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की, उससे ज़्यादा ये नहीं इंक्रीज हो सकता। स्टैटिक फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक बॉडी रिलेटिवली रेस्ट में होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और इसे हम FL से डिनोट करते हैं। दिस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FL इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बात आता है कि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो ये देखा गया कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो आपके नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो FL इक्वल टू μs इंटू n हो जाएगा। यहाँ पर μs एक कांस्टेंट है जिसे हम बोल डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर μs एक कांस्टेंट है जिसे हम कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और इसकी वैल्यू नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करती है। किस पर, नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करती है कि वो सरफेस कैसा है, फिजिकल कंडीशन कैसी है उसकी, मतलब वेट है या ड्राई है, इस पर डिपेंड करता है। इफ द अप्लाइड फोर्स इज फर्दर इंक्रीज द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम अपने द्वारा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फोर्स से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, उस समय इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इफ द अप्लाइड फोर्स या फिर फर्दर इंक्रीज द फ्रिक्शन अपोजिंग द मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब हम अपने द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा कर देंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐड करेगा वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंटली इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इज गिवन बाय FK इक्वल टू μk इनटू n। ये देखा गया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो FK इक्वल टू होता है μk इनटू n। क्या होता है, FK इक्वल टू होता है μk इनटू n। यहाँ μk क्या है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। μk क्या है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। FK क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। वेयर μs इज द वेयर μk इज द कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पर μk जो है कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है जिसकी वैल्यू μs से लेस होती है। अगर हमें μs और μk की वैल्यू दोनों अलग अलग नहीं दी गई क्वेश्चन में तो μs इक्वल टू μk दोनों को सेम μk इक्वल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, μk इक्वल ले लेंगे। तो ये रहा आपका फ्रिक्शन के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर, कि जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके आगे वो नहीं इंक्रीज करेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी और मैक्सिमम वैल्यू तक जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन या उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, अब हम इसको जो है एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें हर वैल्यू को।